सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। और जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग आ चुकी है और ख़ास तौर से लोग जो है MP यानी कि मध्य प्रदेश की काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो वेट कर रहे थे कि कब जो है काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि शेड्यूल आ चुका है। तो जैसे ही आप MP आयुष काउंसलिंग सर्च करेंगे तो आपको पहली वेबसाइट दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में MP स्टेट आयुष नीट UG काउंसलिंग 2023 BMS BHMS BUMS। ठीक है, तो ये काउंसलिंग है ये आपकी BMS BHMS BUMS जो भी बच्चे करना चाहते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक काउंसलिंग और स्टार्ट हो गई है जो कि हमारी किसकी है, BNBS कोर्सेज़ के लिए है। ठीक है, नेचुरोपैथी एंड योगा कोर्सेज़ के लिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन और काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा शेड्यूल और यहाँ पर भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या जो भी प्रोसेस वगैरह होगा सब ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा रात शेड्यूल जो आप देख सकते हैं, इसकी डेट 15/9/2023 को यहाँ पर उन्होंने शेड्यूल निकाला है। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का ये हमारा शेड्यूल है जो कि हमारा BUMS BHMS और आपका BMS और BNBIS। ठीक है, चार कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग कंडक्ट करी जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है कि MP आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2023 एवं मध्य प्रदेश प्राकृतिक चिकित्सा योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2023 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, होम्योपैथी आयोग, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग से प्रवेश अनुमति प्राप्त शासकीय स्वासी एवं निजी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी और अपना प्राकृतिक चिकित्सा एंड योग विज्ञान यानी कि BNBIS की बात कर रहे हैं, तो ये संपन्न करी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एडमिशन लेने में, ठीक है, आपको कोई भी कॉलेज के बारे में जानना है कैसे कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे क्या करेंगे, तो वो सब आपको डिटेल हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए एडमिशन कैसे लेना है क्या करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए 20 से लेकर 26 तारीख के बीच जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी। उसके बाद क्या है, अभिलेख का सत्यापन 21 से 27 तक रहेगा। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो है 21 से 27 तक उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। जिसके बाद हमारा रिक्त सीटों की स्थिति जो हमारी 27/9/2023 को पता चलेगी कि सीटें क्या कितनी हैं, कौन कौन से कॉलेज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नंबर 4th पे मेरिट सूची का प्रकाशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, जो भी आपका वेरिफिकेशन हुआ है, उसकी मेरिट लिस्ट बन के 29 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद है नंबर 5th पे अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, यानी कि चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और एडिटिंग की जो आपकी डेट है वो आपकी 29 से लेकर 2 तारीख तक रहेगी। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें, 29 तारीख से लेकर 2 तारीख तक जो है आपकी चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट का पता चलेगा आपको, 5 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट का। देन उसके बाद है महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि, यानी कि 6 से लेकर आपका 9 तारीख के बीच में आपको जाकर रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में। ठीक है, और आपका जो प्रवेश निरस्तीकरण है वो भी 6 से आपको 9 के बीच में रहेगा, यानी कि आपको बोल रहे हैं कि आपको जाकर कॉलेज में जो भी हमारी प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको पूरी करनी है, और जो उसकी डेट है 6 से 9 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी 5 नियम लिखे हुए हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित तो ऑनलाइन काउंसलिंग के अनुसार प्रवेश अवसर प्राप्त करने की ऑनलाइन वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करके वो चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आपका अभिलेखों का सत्यापन ये पता है आपको, ठीक है, मतलब पूरे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वेरीफाइड होंगे। देन उसके बाद कोई ऐसा खास है नहीं, बाकी आप वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, और अगर आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।